चैनल ऑफ वडोदरा। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा स्मार्ट सिटी अंतर्गत नेचरिंग नेबरहुड्स चैलेंजिंग ना संयुक्त उपक्रमे शहर ना शिशुओ बाळको तेमना संभाळ राखनाराओ माटे सलामत हरियाळू अने वधु रमतियाळ शहर बनाववा एक प्रोजेक्ट नी शरूआत करवामां आवी छे। वडोदरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत बाळको आंगणवाड़ीना बाळको होय अने आजूबाजूमां रहेता बाळको एक वर्षथी लईने छ वर्षना जे बाळको छे जे तमाम बाळको रमी शके तेमनी माटेनी रमतगमतना साधनो बाळकोने रमवानी एक सारी तक मळे ते माटे पालिका द्वारा एक आयोजन करायुं छे। जे आयोजन अंतर्गत एक वाहन द्वारा रमकड़ा लई शहेरमां गोरवा आंगणवाड़ी खाते गरीब अने जरूरियातमंद नाना बाळकोने सुरक्षित माहोल मळे एवो एक सुंदर प्रयास करावशे। संस्थाना कार्यक्रमने प्रोत्साहित करवा माटे मेयर केयूरभाई रोकड़िया, म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनीबेन अग्रवाल अने स्थायी समितिना अध्यक्ष डॉक्टर हितेन्द्र पटेल स्थळ ઉપર આવ્યા હતા। આ પ્રસંગે સંસ્થાના સભ્ય અનુશ્રી પાટીલે જણાવ્યું હતું કે આગામી સમયમાં શહેરમાં સ્લમ વિસ્તાર, આંગણવાડી, માર્કેટ જેવા વિવિધ સ્થળે આ પ્રકારની કામગીરી કરી ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ બાળકોને સુરક્ષિત માહોલ મળે અને રમતથી વંચિત ન રહી જાય તે માટે આ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે। સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત નર્ચરિંગ નેબરહુડ એટલે જે આપણી આજુબાજુના જે બાળકો છે એમને એટલે કે આંગણવાડીના બાળકો છે, સરકારી શાળાના એક વર્ષથી લઈને છ વર્ષના જે નાના બાળકો છે એમને રમતગમતના સાધનો માટેની એક અલગ પ્રકારની વેનનું આયોજન કરીને ત્યાં રમાડવા જાય એ વેનના લોકો એ આજુબાજુના જે બાળકોને એક લાઇવલીહુડ મળે અને એ લોકો પણ આનંદ પ્રમોદ કરી શકે એ દિશાની અંદર આખું એક આયોજન સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત અને એની પણ નર્ચરિંગ નેબરહુડ ચેલેન્જ હેઠળ આ એક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે પણ આ એક કોમ્પિટિશનનો ભાગ એ સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત છે એનું પણ રેન્કિંગ દરેક શહેરોમાં થતું હોય છે, તો વડોદરામાં પણ આનું એક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ કઈ કઈ જગ્યા પર આજે એક આંગણવાડીના બાળકોને રમાડવા માટે લાવ્યા છે, અલગ અલગ આંગણવાડી અને અલગ અલગ શાળાના પ્રાથમિક શાળાઓના બાળકોને રમાડવા માટેનું એક સારું વાતાવરણ મળે, સારી વસ્તુઓ મળી શકે એ દિશાની અંદર સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત આ એક વડોદરા મહાનગરપાલિકાનો પ્રયત્ન છે। सो ये नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज है जो इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर स्मार्ट सिटीज़ के अंतर्गत किया गया है। इसमें बेसिकली हम WRI इंडिया ये एक पार्टनर है, BVLF फाउंडेशन ये एक पार्टनर है जिन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है कि 0 to 5 ईयर्स ओल्ड बच्चे जो होते हैं ये बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट जो होती है ये पहले 5 सालों में सबसे ज़्यादा होती है। तो 80% ऑफ योर ब्रेन उसका डेवलपमेंट पहले 5 सालों में होता है, तो ऐसे टाइम पे तुम्हें किस तरह के एनवायरनमेंट में उन्हें रखना चाहिए, उनके लिए खेलने की क्या आवश्यकताएं है, उनके लिए ट्रीज के साथ खेलना, उनके लिए खिलौने के साथ खेलना, उनके लिए नेचुरल मटेरियल्स जैसे सैंड, ग्रास, ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर्स, तो इनकी ये जो डेवलपमेंट है ये सेंसरी डेवलपमेंट कहा जाता है उसे, जिसे हम लोग स्मेल, लिसन, टच ये सब बोलते हैं। तो इसके हिसाब से हमें किस तरीके के प्लेसेस करने हैं। वडोदरा टॉप 25 सिटीज़ में इस चैलेंज के अंडर सिलेक्ट हुआ है और इसके आगे का राउंड टॉप 10 सिटीज़ का रहेगा, जिसके लिए हम ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अलग अलग जगह पे बच्चे जहाँ जाते हैं, आंगनवाड़ीज, मार्केट्स या फिर अपने रास्ते जो बहुत ही सेफ़ नहीं होते हैं छोटे बच्चों के लिए जब वो चलते हैं, तो इन जगहों को सेफ और प्लेफुल कैसे करना है इसके लिए ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो अभी हम इस प्रोजेक्ट के अंडर 5 प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं ये महीने तक हमारा, जब ये प्रोजेक्ट्स होगा, ये एक प्रोजेक्ट है आज का जो ये प्रोग्राम है। इसमें हमने कुछ आंगनवाड़ी के, किंडरगार्टन के बच्चों को बुला के उनके साथ वर्कशॉप्स कराए हैं, ड्राइंग वर्कशॉप, पॉटरी, प्ले इक्विपमेंट ये सब करा के हम उनको एजुकेशन देना चाहते हैं। आफ्टर दिस हम और जगह जाके ये सेम प्रोजेक्ट करेंगे और फिर थैंक्स टू VMC वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ हम इसको लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट में देखना चाहते हैं। अनुश्री पाटिल, हमें प्रोजेक्ट एसोसिएट हूँ WRI इंडिया से।